नमस्कार दर्शकों, जूम डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिकाबली के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के फील्ड पर। मैं इस वक्त खड़े हूँ और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो मेरे पीछे है। और दर्शकों, आपको मैं एक बात बता दूँ कि इस बार का लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो काउंटिंग हॉल बनाया गया है वह है लिकाबली के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के जो ऑडिटोरियम है वहाँ पर जो इस बार का काउंटिंग हॉल बनाया गया है, जिसमें 28 लिकाबली एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और 36 नारीकोयू एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आज का जो काउंटिंग है वो यहाँ किया जाएगा, जिसमें 28 लिकाबली एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो उम्मीदवार जो खड़े हुए उनका नाम है श्री कार्दो निगियोर जी, जो कि बीजेपी के टिकट से खड़े हुए, और जो इंडिपेंडेंट से खड़े हुए उनका नाम है एडवोकेट मौली रिबा जी, और 36 नारीकोयू एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो खड़े हुए हैं उनका नाम है श्री तोजीर कादू जी, जो कि बीजेपी के टिकट से खड़े हुए, और एडीपी पार्टी यानी अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से श्री गेगोंग अपोंग जी, वो इस बार 36 नारीकोयू एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए। तो दर्शकों, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसके आगे की जो खबर है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले आपको जीत का बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या होगा विकास का, जैसे आपका क्षेत्र अगर देखा जाए तो रोड का थोड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा ये है, रोड है, हेल्थ है और एजुकेशन, इसका ऊपर आपका फोकस कैसा होगा सर? फोकस तो सब में बराबर देना पड़ेगा, जैसे आपका रोड सेक्टर में आपने जो बताया कोई कोई जगह है कि रोड नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। मेन तो विकास का जड़ तो रोड है, हम लोग प्राइमरी फोकस को रोड में देगा, उसके बाद एजुकेशन में, उसके बाद हेल्थ में, और हेल्थ का तो मेरे ख्याल हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना रहा है, और गेंसी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग बन गया, कांकू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग बन गया, और एम्बुलेंस हर जगह में मुहैया कराया गवर्नमेंट, आपके स्टेट गवर्नमेंट। तो हेल्थ सेक्टर में हम लोग को इतना खास करने के लिए ना अभी हम लोग का फोकस होगा रहेगा कि आपका एजुकेशन और रूट सेक्टर में। सर, आजकल जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा ये देख रहे हैं युवाओं में आपका खेल को लेकर, तो उसका बारे में आप क्या करना चाहेंगे सर, इसे खेल का बारे में या स्पोर्ट्स के लिए कुछ आपका मन में ऐसा कोई विचार है? स्पोर्ट्स में तो हम लोग को फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का कमी नहीं है और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई कमी नहीं है, तो इसको हार्नेस करने के लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरी है। तो लास्ट टाइम भी मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो सेंक्शन नहीं करा पाया, और इस बार फिर जोर लगाना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका खेलो इंडिया का अंतर्गत स्कीम है, तो स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू भी स्कीम है, तो उसको गवर्नमेंट को अप्राइज करके स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम लोग को काम शुरू करना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स जो आपका फील्ड है वो तो काफ़ी
यहाँ में पोटेंशियल है और इसको हम लोग को हार्नेस करना है। सर आप जो आप एक जीत आपका हुआ है इसमें चुनाव में, तो अपने क्षेत्र का मतदाताओं के लाभ क्या करना चाहिए? सबको धन्यवाद, सबका एक ही राय था, एक मंदिर था शुरू से कि मुझे ही वोट देगा और मुझे जिताएगा। तो असली बोलने से यार तो अनकॉन्टेस्ट का माहौल बन गया था, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में किसको रोकाएगा, कोई जो कॉन्टेस्ट करेगा तो उस हिसाब से कॉन्टेस्ट हुआ, अदरवाइज पीपल का मैंडेट का हिसाब से तो कॉन्टेस्ट करने का कोई कोई रास्ता ही नहीं था। तो सबको हुई है, आपका माध्यम से मैं अपना जो इलेक्टर्स है यहाँ का जो टंटेटली का वासियों को अपना जो एक थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करता हूँ और सबको धन्यवाद ही कहना पड़ेगा अभी के लिए। और आगे जा कर के हमको बहुत अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा क्योंकि पब्लिक का इतना रिस्पॉन्स है, तो सर्टेनली हमको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। सर लिकावली अगर देखा जाए तो बॉर्डर एरिया में पड़ता है असम अरुणाचल प्रदेश, तो उसके लिए सर कभी कभी कुछ कुछ होते रहते हैं, उसका ऊपर भी आपको एक फोकस एक कुछ प्लान बनाना पड़ेगा सर? नहीं नहीं वो तो ऑलरेडी हम लोग 80% जो बाउंड्री का इशू है असम का साथ में वो एड्रेस कर चुका, अभी 20% बचा है उसको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जोर लगा रहा है और मैं भी अपना तरफ से जोर लगाएगा, अभी 20% ही हम लोग को बाउंड्री करने के लिए बचा है। मेरे ख्याल हम मेरा अभी नेक्स्ट कार्यकाल में ये भी सक्सेस होना चाहिए मेरे ख्याल से। मार्जिन आपका 2605, हम लोग का टोटल इलेक्टोर था 12,000 से थोड़ा मेरे ख्याल ज़्यादा था और वोटिंग किया था 10,600 का लगभग और उसमें लीडिंग मार्जिन रहा आपका 2,605। ओके थैंक यू सर, सबसे पहले आपका मुद्दा क्या होगा जो डेवलपमेंट का है आपका नारीकोई एरिया का? डेवलपमेंट तो आपका इश्यूज तो कई है लेकिन डेवलपमेंट भी इंसान की तरह जब सड़क नहीं होगा नहीं जा पाएगा, तो इसलिए सरफेस कम्युनिकेशन विल बी माय प्रायोरिटी। और मेडिकल और हेल्थ? हेल्थ मेडिकल जब सरफेस कम्युनिकेशन हो जाता है एवरीथिंग विल फॉलो। और इसे आप मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे, आप जो जीत जिन उनके बदौलत आपने जीत हासिल की? मैं मेरा जो नारीकोयू का जो मेरा जितना वोटर्स है पब्लिक है तो उन लोग को मैं थैंक्स कह के भी पूरा नहीं रहता है, तो मैं जिम्मेदारी मेरा पास काफ़ी है क्योंकि सपने मेरे साथ फाइनेंशियली फिजिकली देन ये का आपका एडवाइस भी सब कुछ सब एक साथ करके आज नाम मेरा नाम पे जीत आया जरूर है लेकिन नारी को युकल लोगों का खुद का जीत है। और भी कोई मुद्दा होगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो आपका अंचल के उसका बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा वहाँ तो आपका हम लोग का तो टूरिज्म एक बहुत हाई पोटेंशियल है, टूरिज्म एक ऐसा चीज़ है टूरिज्म और जो हाइड्रो पावर और नेचुरल जो हमारे लाइफ को चेंज किया जा सकता है ये एक दो सेक्टर है, बाकी तो इसमें भी है लेकिन इट टेक्स टाइम, ये दो सेक्टर है कि जो हमारा लिविंग जो कंडीशन को हम लोग चेंज इमिडिएटली स्टेबल वे में ला सकता है, तो आई विल फोकस ऑन दैट। आजकल का ऐसा भी है सर जो पढ़े लिखे युवा है वो अपना क्षेत्र से निकल के बाहर जाते हैं क्योंकि घर में आपको रोजगार नहीं मिलता, तो उनके बारे में आपका कोई प्लान ऐसा बनाए? तो उसमें ये है कि पास तो हम रूरल इकोनॉमी को बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो रूरल इकोनॉमी से ही आपका फादर आगे जाके आपका फिनिश प्रोडक्ट में फिनिशिंग में करके जहाँ पे आप जो ट्रांजिशन जो वेज में, तो यहाँ में आपका हमारे जो यूथ्स लोग को एंगेज करने का मौका आ जाता है, स्पेशली जो फिनिश प्रोडक्ट को बना के आप बेचने के लिए आप रॉ मटेरियल को जो आपका जो रूरल एरिया से जो प्रोडक्शन होता है उसको लेके आगे मार्केटिंग के लिए उसमें काफ़ी एवेन्यूज है, तो उसमें काफ़ी गवर्नमेंट का भी इतना इसमें आपका स्कीम्स है तो एंगेज कराने के लिए, तो एक अनएम्प्लॉयड कैन बिकम ए वेरी इमिडिएटली दे कैन बिकम ए एम्प्लॉयर, तो वो है, तो उसके लिए तो हम पहले रूरल इकोनॉमी के लिए देखना पड़ेगा, सरफेस कम्युनिकेशन को क्लियर इसको हम लोग इम्फोसिस देना पड़ेगा। सर और आप कितना वोट से जीते हैं सर? जीत तो अभी 1600 कितने 49
1649 मार्जिन में आया, तो एक हिसाब से एक ये एक मायूसी वाला बात भी है कि मैं ये 5-6 साल से पब्लिक के साथ हूँ और 10-15 दिन में जो कोई आके इतना मार्जिन सामने कर दिया, तो इससे हम ये कहेंगे कि अपंग साहब का भी पॉपुलैरिटी जो पब्लिक को जो उसने सर पॉलिटिकल लाइफ में जो रहा है उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी काम आया है। अपंग साहब को काम इतना समय नहीं मिला फिर भी मार्जिन इतना तो आया, तो उसका पॉपुलैरिटी अभी भी है क्योंकि ही इज ऑल्सो पायनियर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने आज का इस काउंटिंग को देखा और लोअर सिंह डिस्ट्रिक्ट में इस बार जो आज का जो काउंटिंग हुआ वो काफ़ी शांतिपूर्वकता से हुआ और सफल रहा। उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि आज का जो जो 28 लिकाबली एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जिन्होंने अपना जीत हासिल किया है उनका नाम है श्री कार्डो निगो जी, जो कि बीजेपी के टिकट से जो खड़े हुए थे श्री कार्डो निगो जी, उन्होंने आज अपना जीत हासिल किया। और 36 नारिकोयू एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री तोजीर कादू जी जो है वो भी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे, उन्होंने भी आज जो है अपना जीत हासिल किया है। आपको मैं फिर एक बात बता दूं कि इस बार लोअर सिंह डिस्ट्रिक्ट में दो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो दो कॉन्स्टिट्यूंसी से दो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी जीत हासिल किया है। तो दर्शकों देखिए, तो इसमें बीजेपी का कितना फ़ायदा हुआ कि दो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बीजेपी के जो टिकट जिनको मिला, यानी श्री कार्डो निगो जी और श्री तोजीर कादू जी, और तोजीर कादू जी है 36 नारिकोयू से और कार्डो निगो जी है 20 लिखाबली से, तो इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी जो है उनको कितना फ़ायदा हुआ। इसी तरह का जो खबर है, मैं आपसे फिर इस महीने के फिर 4 तारीख में आपसे मिलूंगा, आज के दिन की तरह मैं आपको अपडेट करूंगा। मैं रोशन काको, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।